थोड़ी सी महदूश हो गई है, उनके पर्सनल सिक्योरिटी जो गार्ड है वो खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि इमरान खान इंटरिम गवर्नमेंट से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? लैंग्वेज के हवाले से आपको बताओ, इमरान खान की तो बड़े फिट मुस्कुराहट थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से अंडर प्रेशर हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं घबराए हुए, बल्कि वो ज्यादा मोटिवेटेड मुझे नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौवान खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज इमरान खान पेश हुए और इमरान खान की पेशी के साथ कुछ अजीबो गरीब वाकयात भी हमें देखने में नज़र आए, जबकि दूसरी तरफ इस केस के अहवाल के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अभी तक मालूम नहीं होगी, उसकी बुनियादी वजह यह है चूँकि सहाफ़ियों को भी अंदर जाने में दुश्वारी थी, इसके साथ साथ इमरान खान जब आ रहे थे तो उस वक्त भी सहाफ़ियों के साथ काफ़ी नोक झोंक हुई और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा भी जारी है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान के इस सुप्रीम कोर्ट में आमद की वजह जो बुनियादी तौर पर है। आपको मालूम है कि वो क्वेटा में एक वकील का कत्ल हुआ, उस कत्ल की एफआईआर पहले किसी रिश्तेदार पर, बल्कि एफआईआर भी नहीं करवाई गई थी। इस हुकूमत की मुशीर अता तारण साहब ने 4 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम का जितना भी मलबा था वो इमरान खान पर गिरा दिया था और कहा था कि इमरान खान ने इसको कत्ल करवाया है। बाद में वो रिश्तेदार जो हैं वो अपने रिश्तेदारों पर इल्ज़ाम के बजाय इमरान खान पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और इल्ज़ाम आयद करने के बाद अब उसकी पेशी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो पेश हुए, सरदार लतीफ़ कोसा ने उनको रिप्रेजेंट किया, यानी उनके वो लायर थे और उन्होंने आज बड़े जानदार तरीके से अपने दलाइल दिए। अपने दलाइल में उन्होंने क्या कहा, इस पर जाने से कबल जब सहाफ़ी यहाँ पर इमरान खान अदालत में एंटर हुए तो कुछ सहाफ़ी जो थे वो उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, और चूंकि डिजिटल मीडिया की और इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो कि इमरान खान से सवाल करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे सवालात की बोछार करना चाहते हैं। जब वो सवालात करते हैं तो डेफिनेटली उनके गार्ड्स भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से सवाल करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन हमारे साफियों की भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि वो इंसान पर चढ़ दौड़ते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चूँकि बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं, वो शख्स एक है, उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, सहाफ़ियों की भी अपनी ड्यूटी है, तो जब ऐसी चीज़ें हमें देखने में नज़र आती हैं तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो ऐसी मुश्किलात सामने पेश आती हैं, लेकिन जब इमरान खान जैसे ही अदालत में इंटर हुए तो रास्ते में ही सहाफ़ियों ने उन्हें घेर लिया। जब सहाफ़ियों ने घेर लिया तो वो इमरान खान से सवाल कर रहे थे, सवाल के साथ साथ उनके करीब जाना चाह रहे थे, जबकि उनके गार्ड्स उनको रोक रहे थे। अब सोशल मीडिया पर एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनके गार्ड्स ने उन पर तशद्दुद किया, ये किया, वो किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डेफिनेटली जब इमरान खान के आगे आप जाते हैं तो वो आपको साइड पर करने के लिए एक धक्का ज़रूर देते हैं और ये उनकी एक ड्यूटी भी है। तो अब सहाफ़ियों को भी इस हवाले से ख्याल रखना चाहिए और दूसरी तरफ इमरान खान के गार्ड्स को भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल का ज़रूर ख्याल रखें, मगर किसी इंसान का भी यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं आज के केस के अहवाल के हवाले से कि आज जब इमरान खान पेश हुए और लतीफ़ कोसा साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया, इस बेंच के हवाले से पहले आपको बता दूं, ये बेंच जो है इसमें बेसिकली जो जजेस शामिल थे वो हुकूमत के नज़दीक सबसे काबिले एतमाद और काबिले कबूल जजेस थे। यानी जो एक टीम बना हुआ है और उनके खिलाफ मुसलसल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दीगर जितने भी जजेस हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं और फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस यही आफरीदी और दीगर जो है उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो ये जो ग्रुप था बेसिकली ये हुकूमत के नज़दीक यानी एक करीब ग्रुप था। जब इमरान खान जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो लतीफ़ कोसा ने सबसे पहले तमहीद बांधना शुरू किया उस केस के हवाले से कि ये केस किस तरीके से हुआ। फिर जेआईटी के सामने बात जब उठी कि इमरान खान को जेआईटी के सामने रिप्रेजेंट होना चाहिए, जेआईटी के सामने सरेंडर करना चाहिए, तो इस पर लतीफ़ कोसा ने बिल्कुल कहा कि जेआईटी पर एतमाद हम नहीं करते, इस जेआईटी को हम मानते नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनमें ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हैं जिन पर यानी एक किस्म का उनने अदम एतमाद का उस पर इजहार कर दिया, तो जेआईटी के सामने उनने पेश करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील थे उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, उस बेंच से रिक्वेस्ट की कि इमरान खान को जेआईटी के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। बार बार ये कहा, लेकिन
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं अपने मुकदमे को, फिर उन्होंने अपने लफ्ज़ को ठीक किया कि सरेंडर नहीं बल्कि यहाँ पर वो पेश हो चुके हैं, तो डेफिनेटली अब उस वक्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी उनको हम रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ देने की जो सबसे बुनियादी वजह थी वो इस केस में जो जिसने केस दायर किया था या जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि जिनका भाई कत्ल हुआ व्हाटएवर जो भी था उनका कोई वकील पेश नहीं हुआ, तो इस वजह से उन्होंने कहा चूंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसलिए इमरान खान को हम ये रिलीफ देते हैं। और उन्होंने पहले 7 फिर 9 अगस्त तक इमरान खान की जो ये समाअत थी इस केस के हवाले से उन्होंने मुलतवी कर दी। अब 9 अगस्त को देखना होगा कि इमरान खान इस केस को आगे कैसे लेकर चलते हैं। उसके बाद इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स रवाना हुए। वैसे मुझे लग रहा है कि इमरान खान तो 1-2 हफ्तों की गेम में शायद गिरफ्तार होने जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, एक आपको वो हुकूमत नज़र आएगी जिसके इसहाक डार शायद निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, वो भी इंटरिम। मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये PDM की कंसेंसस है और PDM अपनी हुकूमत को जिस तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम किया, तो इस तरीके से विफाक में भी अपनी अजारादारी कायम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इमरान खान अपने आप को इस केसेस से कैसे निकालते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आपको बताऊँ, इमरान खान के तो बड़े फिट नज़र आ रहे थे, उनके चेहरे पर एज यूजुअल मुस्कुराहट थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से अंडर प्रेशर हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं घबराए हुए हैं, बल्कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड मुझे नज़र आए, वो पहले से ज़्यादा कुव्वत वाले मुझे नज़र आए। और वो इमरान खान जो कि आपको पहले डिप्रेस नज़र आया करता था, अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि शायद अब उनके लिए कोई नवीद है। देखना होगा कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होता है। ये बताइए कि इमरान खान इंटरिम गवर्नमेंट से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती, ना ही किसी केस में ऐसी कोई जान है या इसके अंदर कोई ऐसा रीज़निंग है जिसकी बुनियाद पर वो गिरफ़्तारी कर सकें। लेकिन इस हकूमत से हमें कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। क्या पेश रफ्त हुई है इस केस में और इस केस की हकीकत क्या है? क्या खान साहब वाकई इसमें जिसमें से गारंटी कहा जा रहा है मुलविस हैं, आपको भी लगता है? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये केस बना ही बदनीति पे है। कोई कत्ल का मुकदमा कभी 24 घंटे के बाद FIR दर्ज हुआ, एक सीनियर वकील का मर्डर होता है और उसमें कंप्लेनेंट भी वकील है उसका बेटा, और वो FIR दर्ज कराने जाता है, उसमें IG या पुलिस ऑफिशल्स उसको रिटेन कर लेते हैं, उसको डिटेन कर लेते हैं और उसको FIR दर्ज नहीं कराने देते, फिर वो उसमें अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज कराते हैं, और वो कब होती है? 24 घंटे के बाद, पूरे 24 घंटे सोचो विचार होता है। हालांकि अनआइडेंटिफाइड मुल्जिम हैं, नामालूम कातिल हैं, उनका कोई पता नहीं, आए फायरिंग की, कत्ल हो गया, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 5 मिनट में, 10 मिनट के फासले पे पुलिस स्टेशन है, आधे घंटे में, घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में होनी चाहिए, 24 घंटे के बाद, यानी अगले दिन जाकर अपने जा सकते। और इस कत्ल के विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर अता तारा साहब जो स्टेटस ऑफ द सिटिंग मिनिस्टर हैं वो आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसको कत्ल कराने में इमरान खान का हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि FIR दर्ज नहीं, कंप्लेनेंट ने कोई बात नहीं की, किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं। 109 की कंडीशंस बड़ी स्ट्रांग है, वो इसमें फॉल करती है या नहीं करती है, ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है, जाहिर है कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्यों केस है? इसलिए कि एक सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आकर के उसको आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है कि इसका मुजरिम ये है। कल कोई कत्ल होता है शाहबाद में या किसी भी जगह पर, हम पहले ही दिन ये कह दें कि इसमें मुजरिम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ है, जिसका उससे कोई ताल्लुक होते नहीं, नवाज शरीफ बेशक उससे बाहर बैठा हुआ है लेकिन वो इसका मुजरिम है। उसके लिए कुछ तो एविडेंस होनी चाहिए, कुछ तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, कोई रीजनिंग होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप FIR दर्ज करें। तो ये कानूनी अहमियत क्या रहेगा?